नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार में अब कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज फ्री में लगाया जाएगा। 18 से लेकर 59 वर्ष आयु के लोगों को कोविड-19 का बूस्टर डोज निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,314 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। विभिन्न विभागों से कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिस पर विचारोपरांत मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था, जो दोनों वितरण कंपनियां हैं, नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनके रिवैम्प करने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, तो उसमें रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, और उसी के मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपनी कार्य योजना एक्शन प्लान बनाई है, जिस पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को दो नए अस्पताल की बड़ी सौगात दी है। बता दें कि राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के दो जिले मुंगेर और पूर्वी चंपारण में अस्पताल के निर्माण के लिए 1,207 करोड़ 36 लाख रुपए की मंजूरी दी है। चारों तरफ दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा का मामला गरमाया हुआ है। ऐसे में जहांगीरपुरी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दंगाइयों पर जमकर हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर भारत में रामनवमी का जुलूस और हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में निकलेगा। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि 3,000 से मस्जिदों की संख्या अब 3 लाख हो गई, लेकिन हमने अब तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की। घटित हुए घटना की चर्चा हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिरों पर कातिलाना हमला की घटना हो, ये सारे घटना एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो पहलू रखता है मेरे नजर में। एक तो भारत पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने भतीजे चिराग पासवान पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। पशुपति पारस का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। चिराग पासवान उन्हें लगातार धमकी देते रहते हैं। जा रहे थे, उस गाड़ी में चिराग पासवान बैठा हुआ था, इसी अमर आजाद के द्वारा फतुहा के आसपास में पासवान जी को काला झंडा दिखलाया गया था। वो अमर आजाद का ग्रुप वहाँ था और प्लस संजय रविदास जो गया का उसके पार्टी का पदाधिकारी है, उसके ग्रुप का लोग वहाँ था। मैं तो नाम ले रहा हूँ और मैं नाम नेम एफआईआर में करवाया हूँ इन लोग खिलाफ। चिराग पासवान ने घटना की निंदा की। वो एक आदमी कंप्लेन के पहले जैसे घटना घटी मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया या आपके कंप्लेन पे वो कार्रवाई? हाँ, गृह मंत्रालय संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से सीआईडी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाया है, उसपर कार्रवाई हो रही है। नीतीश सरकार ने पुलिस प्रशासन को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अब रात को भी गश्त पर रहेगी, जिसके लिए गश्त प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को रेडियम जैकेट दिया जाएगा। साथ ही सभी पुलिस वाहनों में फॉग और सर्च लाइट भी लगेगी। सभी गश्ती वाहनों के सामने और पीछे की तरफ रेडियम टेप, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभी हम सारण के तरैया में हैं और सारण पुलिस भी सशक नज़र आ रहा है। रात्रि के अभी 9 बज रहा है, आप देख सकते हैं, और सारण पुलिस का यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है।
गश्ती के टाइम है और जिस तरह बिहार में शराबबंदी है जिसको लेकर ये लोग भी सशक्त नज़र आ रहे हैं, रात्रि में गश्ती भी कर रहे हैं, गाड़ी की जांच भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन भी नज़र आपको आएंगे और ये आपको बता दें कि पटना सिवान मुख्य पथ है और यहाँ पे तरैया पुलिस है, इनसे जानकारी लेंगे कि रात को किस किस गाड़ी को ये लोग रोक कर चेक करते हैं और चेक के उपरांत क्या मिलता है, सर से बात करने की कोशिश कर। सर आप लोग कितने बजे तक यहाँ गश्ती करते हैं? 10 बजे तक संध्या गश्ती होता है, 2 बजे से 10 बजे तक। अच्छा। 2 बजे 10 बजे से फिर 6 बजे सुबह तक रात्रि गश्ती होता है, 6 बजे से 2 बजे तक दिवा गश्ती होता है। जो भी निवासी व्यवसायी हैं वो उनका है कि वो 10-10 बजे तक उनका दुकान चलता है क्योंकि उनको घर पर ही रहना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना होता है तो उसमें थोड़ा सा भय तो बना रहता है क्योंकि अभी जिस हिसाब से मसरख और तरैया पथ पर जितना मतलब हर महीने कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है तो निश्चित है क्राइम क्राइम क्राइम, तो निश्चित रूप से हमें भी थोड़ा भय तो बना रहता है। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में एक युवक अपने पिता की जमीन को पाने के लिए दर बदर भटक रहा है। बता दें कि युवक की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, हालांकि ये मामला न्यायालय तक पहुंच गया है लेकिन फिर भी अभी तक युवक को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। भागलपुर के कहलगांव में श्री श्याम बाल मंडल ने 30वां श्री श्याम वंदना महोत्सव धूमधाम से मनाया। बता दें कि इस अवसर पर भक्तों ने जमकर डांस किया और श्याम बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही मौके पर मौजूद मंडल अध्यक्ष मनोज संथालिया ने बताया कि ये 30वां श्याम महोत्सव था जिसमें लखनऊ, कोलकाता, पंजाब, हनुमानगढ़ आदि के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में समा बांधा और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।